कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय ट्रेडर्स, ये देखो देखो पर्टिकुलर्स ऑफ सप्लाई लिखा है ग्रॉस, हाँ देखो बस कॉलम में देखो चेंज आएगा थोड़ा बहुत, ग्रॉस अमाउंट आएगा और टैक्सेबल अमाउंट आएगा, ठीक है। ग्रॉस अमाउंट मतलब अपन पहले क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे, जो टैक्स फ्री होगा उसको ये वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे, सेकेंड वाले कॉलम में, जो टैक्स फ्री गुड्स होगा उसको सेकेंड वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे, उसके लिए इसलिए क्या कॉलम बनाया है इसमें, टैक्सेबल अमाउंट। देखो इनवॉइस प्राइस लिखा है पहले, ट्रांजेक्शन वैल्यू सेम प्रोफॉर्मा चलेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे पहले जैसे, देखो इनवॉइस प्राइस लिया, ठीक। फिर निम्नलिखित मदे या यदि व्यवहार मूल्य में शामिल नहीं है, अर्थात बीजक में पूर्तिकर्ता ने अलग से चार्ज किया, जैसे पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन, जैसे पहले लेते थे सब वही कमीशन ब्रोकरेज, सारे एक्सपेंसेस देखो वही है, कुछ भी न्यू नहीं है, बस डिफरेंस क्या है इस प्रोफॉर्मा और उस प्रोफॉर्मा में, ये वाला, ये ग्रॉस अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट, जो दो कॉलम बनेगा। ग्रॉस अमाउंट में जितना भी अमाउंट आएगा पूरा नोट करेंगे, टैक्सेबल वाले में हम क्या करेंगे, जो जिस कम जो कम्युनिटी टैक्स फ्री हो जाएगी किसके उसमें से, जीएसटी के परव्यू में से, उसको यहाँ पे नहीं नोट करेंगे। देखो सब फिर वही कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस, क्रेडिट नोट है तो माइनस। फिर देखो यहाँ क्या लिखा है, जोड़ो मतलब ऐड, दे जीएसटी निर्धारित दर से, जो उसमें अपन ऐड करते थे तो क्या आता था, टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस, ये देखो ये इनवॉइस प्राइस या ट्रांजेक्शन वैल्यू और ऐड, ठीक है। अब यहाँ देखो जीएसटी अधिनियम के अनुसार माल के, ये देखो हाईलाइट कर रही हूँ, ये जीएसटी अधिनियम के अनुसार माल के कर योग्य मूल्य पर दे जीएसटी बिल में अलग से जोड़कर दर्शाया जाता है, अर्थात कर योग्य मूल्य में ऐड करेंगे जीएसटी तो ग्राहक द्वारा दे कुल राशि होता है। किसी को डाउट है इस प्रोफॉर्मा में, बताओ कोई डाउट है कहीं पे, मैम? बोलो। हेलो मैम, जो ग्रॉस अमाउंट वाला जो कॉलम रहेगा उसमें टैक्सेबल और टैक्स फ्री दोनों लिख देंगे, दोनों लिखेंगे सकल राशि, और जो हाँ मैम, और जो टैक्सेबल अमाउंट है इसमें जिसमें जो टैक्स लगे वो उसमें लिखेंगे, जो टैक्स फ्री वाला उसको नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। यस और कोई डाउट, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं है, मैं पूछूं क्वेश्चंस, ये देखो कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल, देखो दे जीएसटी की गणना, राज्य के भीतर माल की पूर्ति है अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो, ये फॉर्मूला देखो लिखा है, सूत्र करके दिया है, इनटू जीएसटी अपॉन 100, और अगर इसमें सीजीएसटी लगता है और एक एसजीएसटी, फिर अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो वही आईजीएसटी लगता है, अगर जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें क्या लिखा है, यदि पूर्ति मूल्य पर जीएसटी अलग से जोड़ा गया हो, ठीक है, और अगर उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस या ट्रांजैक्शन में तो
तो अगर जीएसटी इंक्लूडेड होता है तो उसमें क्या करते हैं, इन 200 अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं। इधर देखो ये दिया ना, कर सहित सप्लाई का मूल्य इनटू जीएसटी अपॉन 100 प्लस जीएसटी, जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा वो इनटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी। ये होता है। और यहाँ पे देखो नोट करके दिया है, यदि प्रश्न में स्पष्ट उल्लेखित नहीं हो कि पूर्ति में कर शामिल है या नहीं, तो ऐसी दशा में कर शामिल नहीं माना जाएगा और अलग से ज्ञात करने बिल में दिखाया जाएगा। मींस अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो किसके अंदर मानेंगे, इसके अलग से जोड़ा गया, मतलब उसमें इंक्लूडेड नहीं है। किसी को डाउट है इसमें? मैम नेक्स्ट देखो, ये गुड्स की लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ टैक्स फ्री गुड्स, इसको क्लिक कर लो, ये वाला, ये हिंदी में जो दिया है फर्स्ट करके, इंग्लिश वालों के लिए अलग से लिस्ट बता रही हूँ मैं। कैलकुलेशन लिया स्क्रीनशॉट इसका? अमन माइक म्यूट करो। ये स्क्रीनशॉट लिया सबने? नेक्स्ट देखो आप, ये हिंदी वाली लिस्ट है और सिर्फ ये हिंदी वाली और ये इंग्लिश में। ठीक, चलो बैक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अपन क्वेश्चन मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। पर्टिकुलर रहेगा, देखो तीन कॉलम बनेगा, एक ग्रॉस अमाउंट बनेगा और एक टैक्सेबल अमाउंट। क्वेश्चन रीड करो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अजीत कुमार प्रकाश चंद्र, जो कि मध्य प्रदेश में एक पंजीकृत पूर्ति करता है, ठीक है, अब बिजली का निम्नलिखित माल की पूर्ति की, देखो बिजली का सामान बोल रहा, मतलब इलेक्ट्रिकल गुड्स कितने के हैं, 3 लाख रुपए के गुड्स। देखो ये कहाँ का है, रजिस्टर्ड डीलर एमपी का है, इसने सप्लाई की, ठीक है, हम अभी क्वेश्चन किसके कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई के कर रहे हैं। ध्यान से देखो, इंदौर के पंजीकृत पूर्तिकर्ता से खरीद कर, किससे खरीद रहा है, इंदौर के, ठीक है, ये कहाँ का है, एमपी का है, इंदौर कहाँ आता है, एमपी में। नेक्स्ट देखो, बिजली के पंखे मतलब इलेक्ट्रिकल फैंस, ये कहाँ से खरीद रहा है, कोलकाता से। तो यहां पर देखो ये है कहाँ का है, देखो ये एमपी का है, खरीद कहाँ से रहा है, ये कोलकाता से, तो ये कौन सा वाले में आ जाएगा, आईजीएसटी वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये एमपी से ही ले रहा है तो सेम स्टेट। पशु चालित कृषि यंत्रों का किसानों को विक्रय
देखो रजिस्टर्ड है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, ये टैक्स फ्री हो जाता है। नेक्स्ट देखो मेडिसिन कहाँ से ले रहा है, दिल्ली से, तो ये भी आईजीएसटी का लिस्ट में आ जाएगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि क्वेश्चंस में अब वैरायटी आएगी। पहले क्या होता था, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि देखो वो एक चीज तो नहीं खरीद रहा है, दो तीन चीजें लेगा, तो हमको ये देखना है कि वो आईजीएसटी पे लग रहा है कि सीजीएसटी पे लग रहा है। समझ में आ रही है बात? देखो पैकिंग 13,800, ट्रक का भाड़ा, डिस्काउंट दे रहा है, जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत करयोग्य प्रदाय की गणना कीजिए। देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अंडर जीएसटी एक्ट। चलो स्टार्ट करो बनाना। यस देखो इसमें फर्स्ट लिखोगे इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स देखो कितने का है, 3,80,700 का है। फिर इलेक्ट्रिकल फैंस देखो 2 लाख का है। थर्ड आयरन एंड स्टील दिया है 1 लाख का। फिर फोर्थ दिया है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कृषि पशु चालित कृषि यंत्र, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स 1 लाख का, सॉरी 2,25,000 का। देखो फिर फिफ्थ मेडिसिन कितने का दिया है, 75,000 का। अब देखो ये हो गए पांचों आइटम्स लिखा, ये ग्रॉस अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है। इलेक्ट्रिकल गुड्स 3,80,700 जाएगा, इलेक्ट्रिकल फेंस भी टैक्सेबल है पूरा का पूरा आएगा, आयरन एंड स्टील भी टैक्सेबल है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ये देखो फोर्थ पॉइंट, पशु चालित कृषि यंत्रों का किसानों को विक्रय अधिसूचित है ना, ये है टैक्स फ्री, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर दिया गया है मेडिसिन्स, तो ये लेंगे। चलो टोटल करो दोनों कॉलम का। टोटल करके बताओ। किसी ने किया टोटल? मैम ग्रॉस अमाउंट का 9,807,000। 9,807,000 यही आ रहा है सबका। और इसमें कितना आ रहा है टैक्सेबल में, यस मैम, टैक्सेबल में 7,557,000। ये हो गया, इसका काम यहीं पे खत्म, ग्रॉस वाले का, इसलिए मैंने इसको डबल लाइन से क्रॉस कर दिया। अब देखो ऐड क्या दिया, देखो पैकिंग चार्जेस 13,800, पैकिंग चार्जेस लो 13,800। फिर देखो फ्राइट दिया है, ट्रक भाड़ा कितना 15,000, ट्रक भाड़ा कितना दिया है 13,800 में, 17,500। हाँ 15,000 ऐड करो तो हमें 28,800। ठीक है, और इसमें 75 कितना दिया है, ये 17,500। टोटल करो 13,800 और 17,500।
31,300 अगर किसी के पास बुक होगी ना तो उसमें ये फ्राइट ना बुक में गलती से 15,000 ले लिया तो वो गलत है अमाउंट. ये वाला ये जो फ्राइट दिया ना 17,500 ये बुक में क्या ले रहा है 15,000. मतलब देखो क्वेश्चन में 17 दिया है लेकिन सॉल्यूशन में 15 लेगा तो इसलिए वो आंसर गलत होगा. तो इसलिए अभी से ही बता दे रही हूँ फिर सोचना मत कि कहाँ से ये हो गया. चलो ऐड करो टैक्सेबल अमाउंट वाले कॉलम के साथ ऐड करो उसको. किया ऐड कितना आ रहा है इन दोनों का टोटल 31,300 आ रहा है इन दोनों का टोटल. नहीं बेटा इसका और इसका टोटल करो. मैम इसका 787,000 माइनस करेंगे ये डिस्काउंट 15,000 अमाउंट आएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई. अगर किसी के पास बुक होगी ना उसमें आंसर आ रहा होगा 769,500 वो गलत है क्योंकि वो क्या कर रहा है इसको ले रहा है 15,000. बन गया सबका. नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन. किसी को नोट करना है तो कर लो जल्दी से. मैम बोलो मैम जो ग्रॉस अमाउंट वाला जो कॉलम है मैम इसके इसमें जितना भी आइटम जब जो परचेज करते हैं मैम वहां तक बस इसका यूज है ना. यस मैम और एग्रीकल्चर वाले में वो टैक्स फ्री था इसलिए इसका अमाउंट इसमें नहीं लिखे बस यही. हाँ बस देखो यहाँ तभी तो लिखा है ना ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट का मतलब वही है ना. अरे इतना टफ नहीं है जीएसटी जितना मन में लोग डर बना के बैठे हैं. बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं सिंपल क्वेश्चंस आएंगे. आ रहा है समझ में बस. अब अच्छा सुनो मैंने बोला था स्टार्ट करने से पहले 2-3 पेज छोड़ के रखना याद है. बोला था क्यों बोला था लिस्ट बनाते चलेंगे तो अपने लिस्ट में ये ऐड करो पशु चालित कृषि यंत्रों का किसानों को विक्रय. देखो किसानों को विक्रय दिया है इसलिए टैक्स फ्री लिया है. नेक्स्ट कहीं पे अगर फिर से यही पॉइंट है तो जरूरी नहीं है वो टैक्स फ्री लें. क्या पता उस समय किसानों को नहीं किसी और को बिजनेसमैन को बेच रहा हो तो. आ रहे समझ में. तो सेम ये लाइन नोट करो टैक्स फ्री लिस्ट बनाओ. मैंने बोला था 2 पेज रखना और टैक्स फ्री लिस्ट हम बनाते चलेंगे. याद आया कुछ ऐसे बोला था मैंने. yes, माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कॉरपोरेशन का कुल प्रदाय तथा कर योग्य प्रदाय यह मानकर कीजिए कि पूर्ति मूल्य में कर सम्मिलित नहीं है. इसका क्या मतलब होता है पूर्ति मूल्य में कर सम्मिलित नहीं है. टैक्स इज नॉट इन द सप्लाई वैल्यू इसका क्या मतलब है. क्वेश्चन में देखो टैक्स इज नॉट इन सप्लाई वैल्यू पूर्ति मूल्य में कर शामिल नहीं है. देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया है. मतलब उसमें मैम वो इंक्लूडेड नहीं है मैम. नहीं है इंक्लूडेड. देखो दो टाइप की जीएसटी कैलकुलेट करते हैं पहले भी करते थे अभी भी करते थे करेंगे. एक तो जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड होगा और एक सेकंड वैरायटी जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है. ठीक तो इंक्लूडेड वाले में क्या करते हैं इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं. लेकिन जिसमें इंक्लूडेड नहीं है जिसमें चुपचाप इनटू रेट अपॉन 100 तो बोल रहा है नहीं है तो इट मींस इनटू रेट अपॉन 100. अगर ये लाइन नहीं भी दिया रहता तो भी हम यही अज्यूम करते हैं और जैसे अपन क्वेश्चंस करते आए हैं वैसे ही करेंगे. अब नेक्स्ट इसमें देखो क्वेश्चन में ये पूरी लिस्ट दी हुई है गुड्स की
बीजक की कुल राशि बताइए दिया है इसमें देखो, प्लस कर रही हूँ कि मूल पर 5% की दर से जीएसटी दे है। चलो प्रोफॉर्मा बनाओ जल्दी से, सेम क्वेश्चन है। प्रोफॉर्मा बनाया सबने? Yes, वघेल सेल्स कॉरपोरेशन, वाघेला सेल्स कॉरपोरेशन करके दिया है। पर्टिकुलर बनाओ, अमाउंट बनाओ, दो कॉलम बना बनाना। उसमें लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी, पर्टिकुलर्स का बनाओ, एग्रीगेट सप्लाई का बनाना मतलब ग्रॉस सप्लाई या ग्रॉस अमाउंट, और फिर एक टैक्सेबल सप्लाई का बनाओ। अरे माइक म्यूट करो। अच्छा ऑल पॉइंट है इधर। सॉरी मैम, मैं वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, ये टैक्सेबल सप्लाई करो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, देखो क्या दिया है, बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स कितने का दिया है, 7,70,000। सेकंड क्या दिया है, रॉ वूल कितने का दिया है, 35,000। फिर वीट गेहूं 2,30,000। केमिकल फर्टिलाइजर्स सप्लाई टू फार्मर्स कितने का दिया है, 3,70,000। नेक्स्ट देखो, क्लॉथ कितने का दिया है, 3,98,000। फिर घी दिया है कितने का दिया है, 3,00,000 का। शुगर दिया है 2,00,000 की। किराना गुड्स है ना, ग्रोसरीज वगैरह 96,000। देखो नाइनटी सिक्स पहले पूरी लिस्ट लिख लेना, फिर देखो बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स टैक्सेबल रहेंगे, 7,70,000 लिखना। रॉ वूल जो कच्चा ऊन है ना, कच्ची ऊन ये होती है टैक्स फ्री। वीट ये भी टैक्स फ्री रहेगा। चलो लिस्ट अपनी लिस्ट में सेकंड और थर्ड पॉइंट एंट्री करो। आप लोग वर्किंग नोट में बताना टैक्स फ्री, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे डैश डैश छोड़ देना, वो समझ में आ जाएगा कि वो टैक्सेबल नहीं है क्योंकि कॉलम ही टैक्सेबल का भर रहे अपन। केमिकल फर्टिलाइजर्स टैक्सेबल हैं फार्मर्स के लिए भी। क्लॉथ में देखो दिया था क्वेश्चन में, ये देखो रेडीमेड कपड़ों, ये कपड़ों की पूर्ति में 38,000 रुपए के रेडीमेड कपड़े, ठीक है, जिसपे डिस्काउंट दिया था कितना, 2,000। तो ये अलग से मेंशन किया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये 38,000 के हैं, वो भी टैक्सेबल हैं, तो अपन इसको एक साथ ही लिखेंगे पूरा, 3,98,000। घी कितने का है, 3,00,000, ये भी टैक्सेबल है। शुगर भी टैक्सेबल है और किराना गुड्स भी टैक्सेबल है। पहले मेरे को टोटल करके बताओ जल्दी से। ट्वेंटी 3,99,000। हाँ अब इसका बताओ बेटा, ये 23 में ये दो माइनस कर दो, 35 और 2,30,000।
मैम 21,34,000। 21,34,000। अब देखो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है ना, देखो एडिशनल इन्फो ये जो भी दिया है, अगर जब तक पॉसिबल है तो इसमें इंक्लूड मत करना, ठीक है, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। देखो ऐड करेंगे रेलवे फ्राइट, कहाँ है रेलवे फ्राइट, देखो ये 4,000, ये देखो दिख रहा है रेलवे फ्राइट, ये वाला किराना सामान की पूर्ति हेतु पृथक से वसूल किया गया रेल भाड़ा व डिलीवरी चार्जेस में 4,000 रुपए बिल में चार्ज किया गया। अब ये क्वेश्चन में एक पॉइंट समझो, ये जो इस पे चार्ज कर रहा है कितना चार्ज कर रहा है, देखो इस पे किराना सामान पे कितना 4,000 रुपए, 4,000 ऐड करो कितना आया 21,38,000। फिर कैश डिस्काउंट था माइनस करो कितना था 2,000 रुपए का था, अच्छा इसमें एक बात बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी में आपको कोई स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट लगा, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक दूसरे से अपोजिट में कुछ लगा क्वेश्चन में? नो मैम, नहीं लगा। सुतेश बोलो मैम, एक बार फिर से, मैम एक बार फिर से बोलिए मैम, क्या पूछे आप? कॉन्ट्राडिक्ट लगी कोई चीज आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में, कुछ डिफरेंस लगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम? कॉन्ट्राडिक्ट मैम, हाँ बोलो। ये किराना गुड्स वाला क्या लगा उसमें कॉन्ट्राडिक्ट? मैम ये उत्तर प्रदेश से खरीद कर बोल रहा है, इसमें हिंदी में देखो लिखा है किराना सामान उत्तर प्रदेश से खरीद कर यूपी से, ठीक है माइक म्यूट कर लो, और इंग्लिश में देखो सिर्फ किराना गुड्स लिखा है। आ रहा है समझ में क्या लिखा है? यस सर। तो इसका देखो दो तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है, समझ रहे हो? जो ये 96,000 है ठीक, तो इंग्लिश में देखो लिखा ही नहीं कि उसने यूपी से लिखा है लिया है, और ये है कहाँ का देखो, जबलपुर का, जबलपुर। आ रहा है समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन में देखो आपके बुक में क्या कर रहा है, इंग्लिश वाले को सही मान के डायरेक्ट कैश डिस्काउंट क्या कर रहा है इसमें से माइनस कर रहा है, और ये रेलवे फ्राइट किसका था, ये किराना गुड्स का था देखो, है ना? तो दोनों तरीके से बनाते हैं, एक बार ये जो अपन बनाए हैं ये सपोज कि अपन इंग्लिश वाले स्टेटमेंट से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो 21,36,000 आया। अब इसमें अपन ऐड करते क्या, जीएसटी पेबल, तो सीजीएसटी लेते और एसजीएसटी लेते अपन एट द रेट ऑफ 2.5% तो 2.5 करते तो कितना आता 53,400। अच्छा आप लोगों के अभी नेक्स्ट क्लास है क्या? नो मैम, नहीं है ना, तो 10 मिनट कंटिन्यू कर ले, 5 मिनट। Yes, yes, ma'am. तो देखो 53,400 है ना, तो ये जीएसटी ऐड होती 106,800, तो टोटल सप्लाई का टोटल जीएसटी पेबल विद इनवॉइस अपना आता आंसर, टोटल वैल्यू चार्ज्ड
ये है टोटल जीएसटी पेबल ना, ये 106800 और टोटल इनवॉइस का चार्ज कितना आएगा, कितना आएगा 224280 आया समझ में? यस ठीक है। अब देखो अगर ये मैं किराना सामान यूपी से खरीद कर अगर ये ऐसे पड़ती मैं, ठीक है, तो बाकी सब में कहीं बोल रहा है क्या? नहीं। अब देखो ये लिस्ट कितने की है अपने पास, 21,34,000 वाली जो लिस्ट है उसको देखो पहले, इसमें से किराना वाला माइनस कर दो, 21,34,000 में से किराना माइनस करो कितना आएगा, किराना का कितना है 96,000। अब मैं इसको ना हिंदी वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता, 20,30,000 क्या 20,30,000 20,38,000 मैम अमाउंट आएगा माइनस करने के बाद। अच्छा 20,38 यस मैम है ना, 20,38,000 ये ऐसे रहता है ना, समझो। और फिर इसमें ये देखो ये दो अमाउंट अलग अलग हो गया। अब इस 20,38,000 में ये जो कैश डिस्काउंट था ये किसका था, कैश डिस्काउंट क्लॉथ वाले का था, तो इसमें तो क्लॉथ इंक्लूडेड है तो मैं इसमें से माइनस करती क्लॉथ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट था कितना इसका 2,000 ठीक। और ये जो 96,000 है इसमें मैं ऐड करती क्या, ये डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि ये रेल भाड़ा व डिलीवरी चार्जेस किसका था, किराना सामान का 4,000, तो ये अमाउंट हो जाता मेरा कितना 1,00,000 है ना। और इसमें से 20,38,000 में से 2,000 माइनस करती तो ये होता 20,36,000। आ रहा है समझ में क्या किया है? बताओ पूनम, नेहा, रेशमी, संजू, श्वेता, कविता, मौसमी, कहाँ अटकी बेटा जल्दी बोलो, नेहा कहाँ अटकी? ये मैम 96, ये देखो ये किराना वाला अलग कर दिए ठीक, तो ये टोटल था ना 21,34,000। इसमें देखो मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, देखो ये 21,34,000 था ठीक, इसमें किराना देखो जुड़ा हुआ था तो मैं किराना क्या कर दी यहाँ पे माइनस कर दी, तो मैंने दोनों गुड्स को अलग अलग कर दिया, ये देखो दोनों गुड्स क्या कर दिए मैंने अलग अलग कर दिए, ये समझ में आया, मैंने जो दो गुड्स अलग अलग किए। यस मैम। देखो तो इससे क्या हुआ, ये देखो ये दो अलग हो गया। अब जो ये इंफॉर्मेशन थी जो जिसकी थी वो उसमें ऐड कर दिया, जैसे ये देखो किराना सामान की पूर्ति हेतु पृथक से वसूल किया गया, ये रेल में जो ये डिलीवरी चार्जेस बता रहे वो किसका था, किराना का, तो इसलिए मैंने सिर्फ किराने वाले में वो ऐड कर दिया 4,000। फिर ये जो डिस्काउंट वाला था ये कपड़ों का था तो कपड़े वाला अमाउंट तो इसमें जुड़ा हुआ है 20,38,000 वाले में, तो इसलिए वो इसमें दे दिया, बस अलग अलग कर दिया अमाउंट को। अब जीएसटी देखो निकालोगे, देखो टोटल फिर भी 21 कितना आ रहा है 36,000, टोटल देखो सेम आ रहा है, ये वाला टोटल देखो इधर पिंक वाला हाईलाइट देखो, ये देखो सेम आया ना टोटल दोनों का। यस मैम। फिर जीएसटी देखो, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी करती तो किस पे लेती, ये 20,36,000 पे, निकालो 2.5% और 2.5, 20,36,000 का 2.5 निकालो, फाइव जीरो नाइन डबल जीरो
इसमें भी वही आएगा, अगर टोटल कर दूंगी तो कितना आएगा, ये 101800 है ना। और ये तो जीएसटी हो गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी लेती 1 लाख पे। ये देखो ये 1 लाख, 1 लाख पे कितना लेती मैं, 5%, यानी कितना आता 5,000। तो देखो टोटल जीएसटी, देखो ये वाला टोटल जीएसटी देखो 5,000 और 1 लाख 1,800, टोटल करेंगे तो वही आ रहा है ना 1,06,800। Yes, ma'am. है ना, तो देखो सॉल्व करने का तरीका बस अलग है। ठीक, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग एग्जाम में अपने मीडियम के अकॉर्डिंग बनाना, अगर ऐसे कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो तो इंग्लिश वाले इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाना, हिंदी वाले हिंदी के अकॉर्डिंग। वैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है कॉन्ट्राडिक्ट वाले, ये तो आपकी दोनों वैरायटी कवर हो गई आज के क्वेश्चन में, है ना। यस मैम, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करना है इसको।